हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस मिठाई और सबकी पसंददार मिठाई, जिसका नाम है काजू कतली। हर छोटे मोटे त्योहार में या तो फिर दिवाली में ये काजू कतली घर पे एक बार तो जरूर आती है। तो बस आज हम यही काजू कतली बनाएंगे। इसे हम पूरे हलवाई स्टाइल में बनाएंगे और इसका टेस्ट बाजार से भी बहुत ही अच्छा आएगा। एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट और एकदम परफेक्ट बनेगी ये काजू कतली। हम इसे सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम बनाते हैं ये फेवरेट हलवा स्टाइल काजू कतली। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप काजू। 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े वाले काजू मिलते हैं बाजार में। तो आप कोई भी कितने भी टुकड़े वाले ले लें, इससे कोई फर्क नहीं है। बस आप इसे एक बार अच्छी तरीके से साफ कर लें। ये थोड़ी सी चीप रहते हैं, इसके लिए हलवाई लोग भी इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 कप काजू लिया है। इसके साथ हमें यहाँ पे 1 कप शुगर लेनी है और 1/2 कप पानी लेना है। तो बस यही इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे काजू कतली। सबसे पहले हमें एक मिक्सर लेना है, उसमें हम थोड़े थोड़े करके काजू डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। हम इसे सिर्फ 3-4 सेकेंड चलाएंगे और फिर बंद कर देंगे। 3-4 सेकेंड चलाने के बाद ये देख सकते हैं एकदम परफेक्ट पाउडर बन गया है। हम इसे सबसे पहले छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली छन्नी का यूज किया है। इससे बहुत ही जल्दी और एकदम आसान तरीके से छान लेंगे हम। यहाँ पे आप अभी थोड़े से दाने देख रहे होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे इसे छान रहे हैं, क्योंकि फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। आप इसे हाथ के मदद से कुछ इस तरीके से छाने, नहीं तो फिर आप इसे सीव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये प्रोसेस से करने से एकदम अच्छी तरीके से पाउडर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं। हम ये दाने को वापस से मिक्सर में डाल के हम इसे ग्राइंड कर देंगे दूसरे काजू के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर हो गया है। तो बस हमें इसी तरीके का फाइन पाउडर चाहिए। इसके लिए हम ये प्रोसेस बार बार करेंगे। एक बार मिक्सर में डालेंगे, 2-3 सेकेंड अच्छी तरीके से चर्न करने के बाद वापस से इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। और अब बस 2-3 बार ये प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से पाउडर बन चुका है। एकदम फ्लफी और एकदम खुला खुला ये पाउडर बना है। बस हमें इसी तरीके का पाउडर चाहिए था। तो अभी हम फिलहाल के लिए पाउडर को साइड में रख देंगे और अभी हम चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। इसके लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। ये शुगर की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप लोगों को शुगर की क्वांटिटी कम चाहिए तो आप यहाँ पे शुगर कम डालें। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप पानी। यहाँ पे पानी की भी जो क्वांटिटी है वो एकदम परफेक्ट लेनी है। कोई भी 1 कप ले ले, उसी से सारे मेजरमेंट्स कर ले। अभी हमें इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमें यहाँ पे ये शुगर सिरप की चाशनी बनानी है। यहाँ पे हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे ये शुगर सिरप को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शुगर सिरप है वो एकदम अच्छी तरीके से बॉईल हो रहा है और जो शुगर भी है वो एकदम अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो शुगर जैसे ही मेल्ट हो जाती है, उसके 1 से 2 मिनट के बाद 1 तार की चाशनी बनके रेडी हो जाती है। तो आप तुरंत बीच बीच में इसे चेक कर ले। तो बस अभी यहाँ पे चलाते हुए हमें एक बार चेक कर लेना है कि ये 1 तार की चाशनी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे ये एकदम परफेक्टली 1 तार की चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी ये स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे काजू का पाउडर। पाउडर डालते डालते हमें इसे साइड में मिक्स करते रहना है। इससे क्या होगा, लम्स क्रिएट नहीं होंगे और एकदम परफेक्ट मिक्सचर बनेगा। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पाउडर ऐड करती जा रही हूँ और इसे कंटिन्यूसली नीचे मिक्स करती जा रही हूँ। दोस्तों, पाउडर डालते वक्त गैस का जो फ्लेम है उसे लो में रखें। लो फ्लेम में ही हमें इसे मिक्स करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा का सारा पाउडर ऐड कर दिया है। अभी हमें इसे मिक्स करना है कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से। और दोस्तों, यहाँ पे हमें गैस का जो फ्लेम है उसे लो में ही रखना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मिक्सचर है वो थोड़ा सा दरदरा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये एकदम फाइन पेस्ट की जैसा दिखने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें काजू कतली बनाते वक्त सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक है कि जो चाशनी है वो 1 तार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाशनी ज्यादा थिक हो गई तो काजू कतली बाद में बहुत ही कड़क हो जाएगी। तो बस वीडियो को आगे देखते रहे और देखे कि इसे कब तक हमें अच्छी तरीके से मिक्स करते
करते रहना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप यहाँ पे देखोगे जो ये पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक हो गया है पहले से। टोटली हमें ये पेस्ट को कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से लो फ्लेम में मिक्स करते हुए पका लेना है। जब ये एकदम अच्छी तरीके से थिक हो गया होगा और वो पैन छोड़ने लगेगा, इसका मतलब है कि ये एकदम परफेक्टली बनकर रेडी हो गया है। और एक टेक्निक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक हमें पकाना है तो क्या करें, 7 से 8 मिनट के बाद मिक्सचर को थोड़ा सा हाथ में ले ले और उसका आप एक गोला बनाना लगे। अगर एकदम परफेक्टली गोला बिना हाथ में चिपके बन जा रहा है, इसका मतलब है कि ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है और ये बहुत थिक हो गया है पहले से। तो बस यही स्टेज तक हमें इसे पकाना है। यहाँ पे हम गैस का जो फ्लेम है उसे ऑफ कर देंगे और हम इसे अभी भी 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो पैन है वो अभी भी गर्म है क्योंकि हमने गैस जो है वो अभी बंद किया है। बस 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे जिसमें मैंने एकदम अच्छी तरीके से घी से इसे ग्रीस कर लिया है, उसमें हम डाल देंगे ये मिक्सचर। यहाँ पे हम ये मिक्सचर प्लेट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें ये मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। हमें इसे मिक्स करते हुए ठंडा करना है तो प्लेट में एकदम आसानी होगी ठंडा करने में, इसके लिए हमने इसे प्लेट में डाला है। तो बस प्लेट में डालने के बाद हमें इसे एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हम इसे मिक्स करते हुए रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा कर देंगे। हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक अच्छी तरीके से हिलाएंगे और फिर इसे हम रख देंगे साइड में। 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। हम इसे छू सके इतना ही हमें ठंडा करना है, यानी कि नॉर्मल ठंडा करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट ले लिया है और इसका मैं एक सर्कल बना रही हूँ और ये एकदम परफेक्टली सर्कल बन जा रहा है। इसका मतलब है ये एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक बटर पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालकर इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसके ऊपर मिक्सचर रखेंगे और मिक्सचर रखने के बाद हम इसे फोल्ड करके अच्छी तरीके से मसल लेंगे जिससे कि ये एकदम अच्छी तरीके से डो बन जाए। और ये एकदम अच्छी तरीके से मसल लिया है, इसके बाद हम इसे बेलन की मदद से रोल कर लेंगे। यहाँ पे आपको काजू कतली की जितनी थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसे बेल ले। मैं यहाँ पे मीडियम साइज की बेल रही हूँ, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये काजू कतली की थिकनेस को। अगर हमें सारे जो काजू कतली है वो एकदम परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट शेप की चाहिए, इसके लिए सारे साइड्स हमें इक्वली बेलने होंगे। तो यहाँ पे हम सारे कॉर्नर्स को भी एकदम अच्छी तरीके से बेल लेंगे और फिर बेलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो भी साइड्स है वो एकदम इक्वली बेल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ये कॉर्नर्स है इसे हम निकाल देंगे। यहाँ पे हम जो भी कॉर्नर्स को निकाल रहे हैं, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसे एक बार अच्छी तरीके से मसल ले। मसलने के बाद आप इसे वापस से बेल कर काजू कतली का शेप दे सकते हैं। तो सारे कॉर्नर्स को कट करने के बाद अभी हम इसे शेप दे देंगे काजू कतली का। यहाँ पे आप जो साइज़ है काजू कतली की वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी पसंद है तो बड़ी करें और छोटी पसंद है तो छोटी करें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम परफेक्ट शेप आ चुके हैं काजू कतली के। तो अभी हम इसे रेस्ट करने देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो दोस्तों 1 घंटे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू कतली है वो एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी है। तो हम इसे निकाल देते हैं एक नाइफ की मदद से। ये देखिए दोस्तों, एकदम आसानी से ये काजू कतली निकल जा रही है और इसका जो टेक्सचर है वो भी एकदम परफेक्ट आया है। और ये जो काजू कतली है वो एकदम परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट बनी है और इसकी जो थिकनेस है वो भी एकदम परफेक्ट आई है। लग रही है ना ये एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी काजू कतली। तो बस अभी हम इसे सर्व कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों घर पे बनाइए एकदम परफेक्ट काजू कतली हलवाई स्टाइल में। आप लोग ये काजू कतली के ऊपर चांदी भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने 1-2 काजू कतली में लगाई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये काजू कतली की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, तो अगर आप लोगों ने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी सबसे पहले देखनी है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड जय श्री कृष्णा एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस।